कच्चे सिंगाड़े को मैंने इस तरह उबाल लिया है, अब हमें लेना है। सबसे पहले फ्रेंड हम मिक्सर की जार ले लेंगे, उसमें हम अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और दालचीनी, हम इसका पेस्ट बना लेंगे, और टमाटर और प्याज हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। शाम के टाइम लोग मोमो राइस फ्राई करके खाते हैं, तो आप ये सिंगाड़े को भी इस तरीके से बना के ऐसे ही खा सकते हो। पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, जो मैंने मसालों का पेस्ट प्याज का और टमाटर वगैरह, इसमें मैंने मिर्च भी डाल दिया है और मैंने पेस्ट को तैयार कर लिया है। आप चाहें तो पिसा हुआ मसाला भी डाल सकते हो। मैं इसमें ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे खाएंगे, मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। मैंने अलग से पैन गरम कर लिया है, पैन गरम हो चुका है, अब मुझे इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल गरम हो चुका है, अब हमें इसमें जीरा डाल देना है, गोल्डन हो जाए जीरा अच्छे से। उसके बाद जो हमारा जो मसालों का पेस्ट था वो डाल देना है। मसालों को अच्छे से पका लेना है। जो हमने इसमें प्याज डाला है, प्याज का फ्लेवर एकदम गोल्डन सा, ब्राउन सा होना चाहिए। मसालों में हल्दी डाल देनी है और स्वादानुसार नमक डाल देना है, जितना आप खाते हैं। तेज खाते हैं तो तेज डालिए, कम खाते तो कम डालिए। उसके बाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है फ्रेंड, देख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, एक कप दही इसमें ऐड कर देना है, डाल देना है। अगर आपके पास घर का फ्रेश दही हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वरना दुकान से मंगवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो दही का फ्लेवर होता है मसालों में अच्छा होता है, और सिंगाड़ों में भी अच्छे से मैच हो जाता है, तो अच्छा लगता है खाने में। कभी कभार ऐसा होता है ना फ्रेंड कि बच्चे सिंगाड़ा पसंद नहीं करते हैं, मेरे बच्चे तो पसंद नहीं करते हैं, उनको ऐसे दिया जाए तो नहीं पसंद करते हैं। अगर मैं ऐसे रेसिपी बना के देती हूँ तो वो खा लेते हैं बड़े शौक से। बच्चों के नखरे बहुत होते हैं, कभी बोलते हैं ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, बच्चों को अगर पसंद आता है तभी खाते हैं। फ्रेंड कभी कभी मेरे बच्चे सिंगाड़ा पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से रेसिपी बना देती हूँ, या तो सिंगाड़ों के पराठे बना देती हूँ, तो वो शौक से खा लेते हैं। अब हमें फ्रेंड इसमें धनिया हमने जो काट के रखे थे उसमें ऐड कर देना है। मसालों को थोड़ी देर अच्छे से पका लेना है, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है तो दही भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए अच्छे से पका लेना है हमें। देखो मसाले पक चुके हैं अच्छे से, अब हमें सिंगाड़ा ऐड कर लेना है। जो हमने सिंगाड़ा छील के रखा था अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, अब हमें इसको ऐड करना है सिंगाड़ों को। मैंने डाल दिया है सिंगाड़ों को अच्छे से, अब हमें आपस में इसको मिलाना है। जो मसाले हैं सिंगाड़ों में अच्छे से मैच हो जाना चाहिए। सिंगाड़े ऐसे डाल के इसको थोड़ी देर पकाना है। वैसे सिंगाड़ों को मैंने पहले से पका लिया था, अगर आप मार्केट में पका हुआ सिंगाड़ा भी मिल जाता है, अगर चाहें तो वो भी ला सकते हैं, या तो कच्चे सिंगाड़ा ला के आप घर में ही उबाल के छील के साफ़ कर सकते हैं। अब हमें इन मसालों में क्या करना है फ्रेंड, एक कप पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, एक कप ही डालना है, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, अभी दही भी अपना पानी छोड़ेगा, और मसालों के साथ हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें। मैंने आधा कप या एक कप पानी ऐड कर सकते हैं आप। अब इसको थोड़ी देर तक हमें पकने देना है। सिंगाड़े वैसे पके हुए हैं, लेकिन जो मसालों का जो पानी होता है वो सिंगाड़ों में अच्छे से चला जाए, थोड़ी देर इसलिए पकाना है हमें। हमारे सिंगाड़े की रेसिपी फ्रेंड देखो तैयार है, अब हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। ऐसी ही सॉस से, चटनी से, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड दूसरी वीडियो में, बाय फ्रेंड।